वेलकम फ्रेंड्स, अंजलि किचन कुक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बना के लाई हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक। काफ़ी खाने में टेस्टी लगता है, बहुत ही इजी है इसे बनाना, बहुत ही कम समय में बनके रेडी हो जाता है। बर्थडे हो, पार्टी हो, किटी हो, आप किसी भी फंक्शन में इसे बना सकते हैं, तो बनाना काफ़ी आसान है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम केक टिन। यहाँ पे मैंने केक टिन ले लिया है, इसमें हम लगाएंगे ऑयल। लगा देंगे हम बटर पेपर, इसमें हम बटर पेपर अच्छे से लगा देंगे। अब इसमें हम लगा देंगे ऑयल फिर से। फॉरेस्ट केक बनाने के लिए मैंने लिया है ऑयल यहाँ पे हाफ कप, मिल्क, एक चम्मच वैनिला एसेंस, को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, इस स्ट्रेनर में हम डालेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1/2 कप मैदा लिया है, तो टोटल हमने मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा यूज़ किया है। 1/2 कप कोको पाउडर, यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है। यहाँ पे हम डालेंगे कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच, हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। तो हम अच्छे से स्टेन कर लेंगे। और हमारा जो ये ऊपर में बचा है इसे हम हटा देंगे। तो अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है गरम पानी, 1/2 कप मैंने गरम पानी लिया था। इसे हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर से इसे मिलाएंगे। तो देखिए हमारे मिक्सर बन के रेडी हो चुका है केक का। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ था 1/2 कप पानी, इस 1/2 कप पानी में मेरा इतना सा पानी बच चुका है, तो टोटल हमने यहाँ पे 1/4 कप पानी यूज़ किया है। हमारा केक का मिक्सर बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का हमें इसे बनाना था, ना ये ज़्यादा पतला है ना ये ज़्यादा थिक है, इस तरह का हमें इसे बनाना है। तो काफ़ी परफेक्ट मिक्सर बन के रेडी हुआ है। हम इसमें डाल देंगे विनेगर 1 चम्मच और इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड एंड कट के मेथड से करना है। तो देखिए हमारा केक का मिक्सर बनके रेडी हो चुका है, कितना स्मूथ, कितना अच्छा बना है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमें इसे, इसी तरह का हमें इसे बनाना था, तो काफ़ी परफेक्ट केक का मिक्सर बन चुका है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब केक टिन में हम बैटर को डाल देंगे। मैंने केक टिन में केक मिक्सर को डाल दिया है। अब इसे हम 2 बार इस तरह से टैप करेंगे, गैस की तरफ चलेंगे और इसे बेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने एक स्टैंड को लगा दिया है। मैंने केक टिन को उस कढ़ाई में रख दिया है। मैंने पहले कढ़ाई को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था, हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी से गर्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इस केक टिन को रख दिया है। अब मैं इस कढ़ाई को ढक दूंगी और 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में रखते हुए इसे हम बेक करेंगे। देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा केक काफ़ी अच्छा बेक हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से जब हम इसमें पिक डालेंगे तो चेक करेंगे, देखिए पिक में बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट बेक हो चुका है। तो इसे अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। मैंने केक को कढ़ाई से निकाल लिया था और इसे आधे घंटे के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था, यह काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डिमोल्ट करेंगे। पहले हम चप्पू की सहायता से इसके चारों तरफ चला लेंगे। कितना स्पंजी, कितना ज़्यादा हमारा केक फूला है, आप देख के समझ सकते होंगे। और कितनी आसानी से इसने टिन को छोड़ दिया है, मैं आपको टिन दिखाती हूँ। देखिए टिन में बिल्कुल भी केक नहीं लगा है, तो देख के आप समझ सकते होंगे कि कितना अच्छा यह केक बना है। तो ऐसे हम बटर पेपर को निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने बटर पेपर को भी निकाल लिया है, परफेक्ट बना है पीछे के साइड से भी। अभी से हम सीधा कर लेंगे इस तरह से।
हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम बना लेंगे चेरी सिरप। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी। अब डालेंगे 1/4 कप शुगर। देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप चेरी। इसे भी चला लेंगे अच्छे से। चेरी सिरप बन के रेडी हो चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। एक बाउल ले लिया है, इस बाउल में हम स्ट्रेनर को रख देंगे और सिरप को अलग कर लेंगे और चेरी को अलग कर लेंगे। देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है, इस बाउल में मैंने 300 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अब इस व्हिपिंग क्रीम को हम व्हिप करेंगे। हमारी व्हिप्ड क्रीम बनके रेडी हो चुकी है, जब इसे इस तरह से हम उल्टाएंगे तो गिरेगा भी नहीं, तो समझ जाइएगा ये बनके रेडी है। तो इस तरह का हमें इसे बनाना था, तो अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने केक को ले लिया है फिर से, इसके ऊपर जो ये फट गया है ये पोर्शन को हम पहले निकाल लेंगे। तो देखिए ये निकाल लिया मैंने, इस तरह से इसे इक्वल कर लेंगे। इसे हम 3 भाग में इक्वली डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमने इसे 3 भाग में डिवाइड कर लिया है, 3 लेयर में इस तरह से। अब हमने केक का एक लेयर यहाँ पे रख दिया है, इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे शुगर सिरप। अब इसमें हम लगा देंगे क्रीम। हम डाल देंगे चेरी। इसे हम एक लेयर लगा देंगे ये चेरी सिरप। इसे हम व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे। फिर से हम चेरी लगा देंगे। और फिर से एक लेयर हम रख देंगे, सम शुगर सिरप लगा देंगे। इस तरह से फिर से व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे हम। अब इसे स्क्रैपर से हम इस तरह से इक्वल कर देंगे चारों तरफ। इसमें हम लगा देंगे चॉकलेट गनाश। अब हम बीच में डालेंगे चॉकलेट सेविंग्स। हम लगा देंगे सब में एक एक चेरी। देखिए हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी हो चुका है, इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए, उसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो अब हम केक को कट करेंगे। तो देखिए हमारा केक बनके रेडी हो चुका है, मैंने इसे कट कर लिया, तो कितना डिलीशियस, कितना स्पंजी लग रहा ना, तो बहुत ही अच्छा ब्लैक फॉरेस्ट केक बना है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लैक फॉरेस्ट वाला केक वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।